और इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां गठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम के बिगड़े हैं बोल। आपको बता दें कि डुमरियागंज से गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलम और फेसबुक पर पोस्ट लिखने वालों को दी है धमकियां। आपको बता दें खुद को बताया है पूर्वांचल के सबसे बड़े दबंग नेता है और जगदम्बिका पाल और योगी सीएम योगी पर आरोप लगाया है, तो ये खुद को घोषित किया है सांसद। माता प्रसाद पांडे ने भी किया है अपशब्दों का प्रयोग और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे। वहीं वोटरों को भी धमका रहे हैं आफताब आलम। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गठबंधन के प्रत्याशी आफताब आलम के पोल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि डुमरियागंज से गठबंधन के लोकसभा के प्रत्याशी हैं और वही फेसबुक पर पोस्ट लिखने वालों को धमकियां दी हैं और वही केंद्रीय मंत्री बनने की तैयारी भी कर चुके हैं आलम और चुनाव जीतने का दावा भी कर दिया है। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिवाकर, जिस तरह से अपने आप को इस तरह से उठाने और बात कर रहे हैं आलम, तो क्या कुछ कहना होगा गठबंधन की तरफ से? गठबंधन क्या कहेगा, गठबंधन तो पहले ही कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति पे दांव लगा चुका है जो कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से गुंडाई पे उतारू है। जिस तरीके से ऑडियो आप सुनेंगे तो ऑडियो में जिस तरीके से वो वोटर को धमका रहा और साफ तौर पे कह रहा कि तुम यहाँ के रहने वाले हो डुमरियागंज के और मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में भी मेरे बहुत लोग हैं, मेरे बहुत लोगों का मतलब उसका साफ तौर पर है कि मुंबई में हमारे ऐसे तुमको वहां से भी उठवा सकते हैं, कह रहे हैं कि ना तो मुंबई में रहने देंगे और ना ही डुमरियागंज में रहने देंगे। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पे उतारू हैं आफताब आलम। लेकिन सबसे बड़ी चीज समझना यह होगा कि आखिरकार आफताब आलम को टिकट क्यों दिया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया गया था, लेकिन वो बुरी तरीके से हारे थे। एक बार फिर से गठबंधन ने या फिर कहे कि बसपा प्रमुख मायावती ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि 2007 में जब मायावती की यानी कि बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो उस वक्त चुनाव के दौरान मायावती की तरफ से एक नारा दिया गया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। तब तो गुंडों की छाती पे आप चढ़ना चाह रही थी, लेकिन आज ऐसा आखिरकार क्या हो गया है कि आप उन्हीं गुंडों के दम पे गुंडों के सहारे पे लोकसभा के ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती थी? आखिरकार आफताब आलम में ऐसा क्या देखा गया गठबंधन की तरफ से या बसपा की तरफ से कि उन्हें कहीं न कहीं डुमरियागंज से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया, जबकि डुमरियागंज से भाजपा के जो अभी भी सांसद हैं जगदम्बिका पाल वो चुनावी मैदान में है, तो जाहिर से बात है कि उनके सामने टिकने में कहीं न कहीं आफताब आलम को परेशानी होगी। लेकिन जिस तरीके से वो वोटरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के काफी ज्यादा सीनियर लीडर हैं और उनको मंच में जगह नहीं दी गई, पूरा सार समझ लीजिए कुलभूषण की एक अभी जनसभा हुई थी गठबंधन की जिसमें कि आफताब आलम जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में जनसभा की गई थी, उसमें माता प्रसाद पांडे क्योंकि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, खुद विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, वो भी वहां पे पहुंचे थे, तो उनको मंच पे जगह नहीं दी गई, तो उनको बैक साइड पे बैठा दिया गया था। इसी को लेकर जो वहां के वोटर हैं मतदाता हैं, शरीफ नाम का ये युवक है जो कि रहने वाला डुमरियागंज का है लेकिन मुंबई में रहता है, उसने फेसबुक पे एक बड़ी ही शालीनता से एक पोस्ट लिखा था कि आखिरकार इतने सीनियर लीडर को किस तरीके से दरकिनार किया गया, किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई। बस इसी चीज को पोस्ट को लेकर, जबकि आफताब आलम का उसमें पोस्ट में कहीं नाम भी नहीं लिखा गया था, इसी पोस्ट को लेकर आफताब आलम जो है वो कहीं कहीं खासे नाराज हो गए। पूरी तरीके उनकी जो शब्द है, जो धमकाने की शैली है, वो पूरी तरीके से गुंडों वाली नजर आ रही है। आप जब ऑडियो सुनेंगे तो साफ तौर पे आपको नजर आ जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से एक प्रत्याशी जो है वो गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर ऐसा प्रत्याशी जीत जाता है तो वो लोकसभा में जाके किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इस तरह का जो प्रत्याशी है अगर वो जीत जाता है तो संसद भवन में जीतना है, जो संसद है वहां पे क्या करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दिवाकर एक बात पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती हो जेले, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए मुस्लिमों को वोट देने के लेके, तो इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्वाचन आयोग का जो भय है वो राजनेताओं में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है? अब
अब बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से खत्म हो चुका है भय। तभी तो मायावती हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर और भी ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो कि कहीं कहीं आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। आप आफ्ताब आलम की ही बात कर लीजिए। आफ्ताब आलम ने जो शब्दों का प्रयोग किया उसमें साफ तौर पर माता प्रसाद पांडे को लेकर अपशब्द का प्रयोग किया है। गाली गलौज भी उस ऑडियो में जो कि के न्यूज नहीं दिखा सकता है, लेकिन उसमें साफ तौर पर माता प्रसाद पांडे इतने सीनियर लीडर, उनके लिए कहा गया है कि 25 साल तक उन्होंने मुसलमानों पर राज किया है, क्या किया मुसलमानों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जाति धर्म हो सभी आपके लिए एक समान होने चाहिए। वो आखिरकार आपके वोटर हैं और आपको कहीं कहीं अगर चुनेंगे तो आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में आपकी जो संकीर्ण मानसिकता है जाति धर्म पर जो टिकी हुई है उन चीजों को लेकर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरीके का आप प्रत्याशी हैं, किस तरीके का आप राजनेता हैं। सियासत में तो यह होता है कि सियासत में अगर आप सांसद बन गए तो आप सभी के सांसद, पूरे डुमरियागंज लोकसभा के सांसद है और उस लोकसभा क्षेत्र में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे में किसी एक धर्म को लेकर एक जात को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। लेकिन पूरी तरीके से आफ्ताब आलम जो है वो गुंडागर्दी पुतारू है, उनकी ऑडियो में जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो हम सामने नहीं ला सकते हैं। हम उन सबकर सही कहा आपने की ऑडियो में जिस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है आफ्ताब आलम ने उसको के न्यूज बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि समाज में इस तरह के लोगों को बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर यही व्यक्ति अगर सांसद बन गए तो संसद की गरिमा है वो तो भंग होगी होगी और राष्ट्रवाद की जो अगर परिभाषा है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी पर, इस पर जानकारी देने के लिए अधिवाकर आपका। तो आफ्ताब आलम डुमरियागंज के गठबंधन के प्रत्याशी हैं और उनका जिस तरह की अभद्र भाषा का जो विवाद है वो तूल पकड़ता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है।